हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 15 मिनट्स रिवीजन अड्डा, अ रिवीजन सीरीज बाय ऑप्टिमम एडुकेटर्स। आई एम सलमान पेटीवाला, एमटेक गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम आईआईटी मद्रास, एंड आई एम गोइंग टू डील विद दिस पर्टिकुलर रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर नंबर 7, लेंसेज, व्हिच इज अ चैप्टर इन योर स्टैंडर्ड 10th साइंस 1 सिलेबस। ओके, सो गाइज, रिमेंबर दिस इज जस्ट अ रिवीजन क्लास, नॉट द डिटेल एक्सप्लेनेशन। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है, आपको फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन चैप्टर का सुनना है, तो यू कैन बाय द होल चैप्टर एंड द होल सिलेबस फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। ओके, बट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, प्लीज लाइक आवर वीडियो, शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। लेट्स स्टार्ट रिवाइजिंग चैप्टर नंबर 7, लेंसेज। सो दोस्तों, इस चैप्टर में हम क्या क्या रिवाइज करने वाले हैं, हम सब कॉन्सेप्ट्स 15 मिनट में आपको रिवाइज करा के दे देंगे। उनमें कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, दोस्तों मैं कॉन्सेप्ट्स तो बताऊंगा, साथ में फॉर्मूलाज भी बताऊंगा जो आपको इस चैप्टर से याद करने हैं। ठीक है, कम ऑन। सो द फर्स्ट थिंग विच वी नीड टू रिवाइज इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लेंसेज। पहले मैं आपको बताऊंगा लेंस क्या होती है, अलग अलग टाइप ऑफ लेंस कैसे होते हैं। देन वी डिस्कस सर्टन रे डायग्राम्स। मैं सभी रे डायग्राम्स बनाऊंगा नहीं, क्योंकि डिटेल एक्सप्लेनेशन में सब बने हुए, यहां मैं रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद इमेज फॉर्म बाय लेंसेज, किस तरह से इमेज बनती है लेंस यूज करके, दोनों तरह की लेंस, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, दोनों के इमेजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, दिस इज अ डेमो वीडियो ऑफ द चैप्टर। यू कैन परचेज द फुल सिलेबस ऑफ आर वीडियो लेक्चर्स फॉर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड फ्रॉम स्टैंडर्ड 5th टू 12th, ऑल्सो फॉर जेईई नीट, फॉर साइंस, मैथ्स एंड इंग्लिश, फ्रॉम आर वेबसाइट optimumeducators.com, ऑल्सो फ्रॉम फ्लिपकार्ट और Amazon. We are also available at leading shops of Maharashtra. Please reach us out on these numbers. And don't forget to like our video, share our video and subscribe to our channel. Thank you. Next, we'll discuss about the human eye. Human eye में किस तरह से image बनती है? मैं अगर किसी object को देखता हूँ, for example, मेरे सामने mobile phone है, मैं इसे देखता हूँ, तो इस object की image मेरी आंखों में कैसा बनती है और वो इमेज मेरे ब्रेन तक कैसा जाती है, उसको भी हम रिवाइज करेंगे दोस्तों। देन आफ्टर दैट वील सी व्हाट इज डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन का मतलब, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नजदीक का ठीक से नहीं दिखता या दूर का ठीक से नहीं दिखता, वो डिफेक्ट्स ऑफ विजन कहते हैं, जैसे मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, उसे भी हम रिवाइज करेंगे जल्दी से। नेक्स्ट वील गो ऑन टू द यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस का कहां कहां यूज किया जाता है। एंड लास्टली वील डिस्कस दीज एप्लीकेशन, दैट इज we'll study about simple microscope, then compound microscope, and uske baad we'll look into telescope. Okay, so let's start the revision of this particular chapter. So dosto, as I mentioned, sabse pehle kaun sa hum concept discuss karne wale hai, what are the types of lenses, right? So lenses ko in general agar main baat karu to do tarah ki lens hoti hai, lens ki baat karu ya lenses keh do to basically you have स्पेरिकल लेंस, जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, स्पेरिकल लेंसेज की बात करूं तो हमारे पास एक होती है कॉनकेव लेंस, एक होती है कॉन्वेक्स लेंस, राइट? दो तरह की लेंस होती है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स कैसी होगी दोस्तों? कुछ इस प्रकार की होगी, उसका मिडिल पोर्शन थिक होगा और एंड पोर्शन थिन होगा। आप देख सकते हो मिडिल पोर्शन थिक, एंड पोर्शन थिन। वेयर एज अगर मैं बात करूं मेरे कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लेंस कुछ इस प्रकार से होती है, राइट? दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ कॉनकेव लेंस, और बेसिकली इनको बाय कॉनकेव और बाय कॉन्वेक्स कहा जाता है, क्योंकि दोनों साइड से वो लेंस है, राइट? अगर एक साइड प्लेन हो और एक साइड लेंस हो, तो उन्हें हम कुछ और तरह से एड्रेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, टू डिस्कस दीज टाइप ऑफ लेंसेज, आई हैव दिस डायग्राम विद मी। सो दिस इज योर बाय कॉन्वेक्स लेंस, राइट? और ये रही मेरी बाय कॉन्केव लेंस, जो मैंने आपको बताया, दीज आर द मेन टू वेज ऑफ क्लासिफाइंग। पर अगर दोस्तों एक साइड प्लेन आ जाए, तो उसे कहेंगे इसे कहेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स, ओके? इसे कहेंगे प्लेनो कॉन्केव। ये पॉजिटिव मेनिस्कस इसे कहा जाता है, नेगेटिव मेनिस्कस इसे कहा जाता है, ठीक है? पर इसमें आप लोगों को मेन जो याद रखने वाली है, वो आप ये याद रखो, ये याद रखो, ये याद रखो और ये याद रखो, ये चार याद रखना है आपको, ठीक है? बाय कॉन्वेक्स, बाय कॉन्केव, देन प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्केव, और बाय कॉन्वेक्स को कॉन्वेक्स भी सिर्फ कहा जाता है, और बाय कॉन्केव को सिर्फ कॉन्केव भी कहा जाता है, ठीक है? इसे सिर्फ कॉन्केव भी कहा जाता है। कॉन्केव मतलब इसकी बात हो रही है, अगर सिर्फ कॉन्वेक्स बोला जाए तो इसकी बात हो रही है, राइट? सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ लेंसेज वी नीड टू फोकस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। बट दोस्तों, इन लेंस के बारे में कुछ हमें एक चीज पढ़नी है, दैट व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ दिस लेंस। तो अगर मैं आपको एक कॉन्वेक्स लेंस जल्दी से बना के दिखाता हूं, ठीक? सो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप जब एक लेंस बनाना, तो उसके बीच वाले पॉइंट को कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर,
ये मैंने जो रेड कलर का डॉट बनाया इससे मैं ओ कहता हूं. व्हाट इज ओ? ओ इज द ऑप्टिकल सेंटर. अच्छा, ऑप्टिकल सेंटर से एक लाइन ऐसी पास होती है, ऐसी स्ट्रेट लाइन, इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. क्या कहते हैं इसे? प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है. उसके अलावा दोस्तों ये एक स्पेरिकल लेंस है, तो अगर आप इस स्पीयर, तो मैं अगर इस सरफेस को लेके ऐसा प्रॉपर सर्कल बनाऊं, ठीक है, एक रफ सर्कल बना रहा हूं मैं, ठीक है, तो उस सर्कल का सेंटर समवेयर यहां पर होगा, राइट? अगर थोड़ा सा प्रॉपर बनाऊंगा तो इट विल बी बेटर. समवेयर यहां होगा, ठीक है. सो इस पॉइंट को हम कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर. क्या कहेंगे? ऑप्टिकल सेंटर विच इज रिप्रेजेंटेड जनरली बाय सी. ओके, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर थर्ड टर्म. नाउ फोर्थ टर्म यू नीड टू रिमेंबर गाइस, कि जब कभी एक लाइट पैरेलल लाइट, अगर मेरी प्रिंसिपल एक्सिस से अगर कोई इंसिडेंट पैरेलल लाइट जाती है ना, तो ऐसा हिट करेगी और वापस ऐसा ऐसा निकलेगी, राइट? सो ये क्या हुआ, ये बेसिकली मेरी जो लाइट थी, ये इंसिडेंट लाइट थी, ये क्या हुआ, इसको हिट करके ये ऐसा रिफ्रैक्ट हुआ, राइट? तो जहां मीट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस से जो पैरेलल लाइन मीट होके नीचे गिरेगी, इस पॉइंट को कहेंगे फोकस. क्या कहेंगे? फोकस, या इजीली उसे और वर्ड्स में प्रिंसिपल फोकस भी कहा जाता है, ठीक है. नाउ दोस्तों रिमेंबर, ये सेंटर से ओ तक जो डिस्टेंस होगा ना, इसे हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, आर, सेंटर से ओ तक. और ये ओ से एफ तक के डिस्टेंस को हम कहेंगे फोकल लेंथ, दैट इज स्मॉल एफ. एंड रिमेंबर फोकल लेंथ इज जनरली आर बाई टू. हाउ मच इज दैट? रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाई टू. ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए. नाउ गोइंग अहेड, रिमेंबर गाइस कि हमारे दो तरह के लेंसेज होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स. इन दोनों तरह के लेंसेज में फायदा, एक डिफरेंस ये है कि जो कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है ना, उसे कहा जाता है कन्वर्जिंग लेंस. क्या कहा जाता है? कन्वर्जिंग लेंस. क्योंकि देखो जितने भी पैरेलल रेज आ रहे हैं वो सबको एक पॉइंट पे क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है, सबको एक पॉइंट पे लाके मिला रहा है. तो इस वजह से हम अपने कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं. ओके, आप देख सकते हो यहां पर दूसरा लेंस है हमारा कॉनकेव लेंस है, इसे हम डाइवर्जिंग लेंस कहेंगे. क्यों? क्योंकि ये जो रे ऑफ लाइट जो आ रहा है यहां से लग के डाइवर्ज हो रहा है, दूर जा रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर यहां डाइवर्ज हो रहा है, मतलब दूर जा रहा है, तो इसे कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस. कॉन्वेक्स लेंस का काम होता है कॉन्वेक्स, आई कैन से कन्वर्ज करना, मिलाना. डाइवर्जिंग लेंस यानी कॉनकेव लेंस का काम होता है रेज ऑफ लाइट को एक दूसरे से दूर करना, ठीक है. सो दैट्स द बेसिक मोटो ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ लेंसेज. नाउ गाइस, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द टाइप्स ऑफ लेंसेज, लेट अस क्विकली रिवाइज द रूल्स ऑफ ड्रॉइंग रे डायग्राम्स. तो थ्री लॉज गाइस, थ्री रूल्स. फर्स्ट रूल इज, अगर इंसिडेंट रे ऐसी आ रही है ना पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो हमारी इंसिडेंट रे है प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, तो जब रिफ्रैक्ट होगी तो इट विल पास थ्रू द फोकस. ओके, वो अंदर से फोकस के थ्रू जाएगी. दूसरा रूल ये है कि अगर फोकस के थ्रू आ रही है तो पैरेलल जाएगी, ठीक है, इजी रूल है. पहला रूल कहता है पैरेलल आएगी तो फोकस के थ्रू जाएगी, उल्टा रूल, दूसरा रूल कहता है कि फोकस के थ्रू आएगी तो पैरेलल जाएगी, बात तो एक ही है, राइट? और तीसरा रूल कहता है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो वो अनडिविएटेड जाएगी. अनडिविएटेड मतलब स्ट्रेट चले जाएगी, ठीक है, आड़ा टेढ़ा नहीं होने वाली अगर वो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जा रही है तो, ठीक है. सो बेस्ड ऑन दीज थ्री रूल्स हम कुछ रे डायग्राम्स बनाते हैं दोस्तों. और रे डायग्राम सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस के बनाते हैं. सो कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम कुछ इस प्रकार से, इस तरह से. तो मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं तो अगर ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे हो, राइट, तो हमें इमेज कहां मिलती है? फोकस F2 पे मिलती है ना. व्हाट इज फोकस F2? एक तरह का लेफ्ट साइड का फोकस F1 कहा जाता है, राइट साइड का फोकस F2 कहा जाता है. तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज फोकस पे, रिमेंबर दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे ना तो इमेज फोकस पे, और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज इन्फिनिटी पे, वाइस वर्सा, ठीक है. तो अगर ऑब्जेक्ट इमेज, ये याद रखो रिविजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज फोकस पे, और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज इन्फिनिटी पे, ठीक है. दिस इज अ साइन फॉर इन्फिनिटी, आप लोगों को पता होगा. नाउ अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को 2f, बियॉन्ड 2f रखे, मतलब इसके पास रखे, ओके, बियॉन्ड 2f मतलब दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बियॉन्ड 2f. यहां पर आप देख सकते हो 2f से थोड़ा आगे है, राइट, बियॉन्ड 2f. तो आप देख सकते हो वेयर विल बी द इमेज फॉर्म. सो दिस इज माई ऑब्जेक्ट. सो द इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन f2 एंड 2f2, राइट, f2 और 2f2 के बीच में बनता है. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट द फोकल लेंथ, बराबर, राइट, ओके. नाउ सो हमने ये देख लिया कहां बनता है, बिटवीन इमेज का बनता है बिटवीन f2 एंड 2f2. अगर हम ऑब्जेक्ट को 2f2 पे रखेंगे, यानी ये वाला केस, 2f2 मतलब
इफ यू कीप द ऑब्जेक्ट समवेयर हियर, अगर यहां रखता हूं मैं, आई विल जस्ट इरेज दिस और इस साइड भी इरेज कर देता हूं, तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को मेरी यहां रखता हूं तो मुझे इमेज भी कहां मिलेगा पता है, 2f2 पे, 2f1 पे रखूंगा तो मुझे यहां 2f2 पे इमेज मिलेगा, रिमेंबर दैट। ठीक है, इसको वेरीफाई कर लेते हैं हम इससे, ठीक है, ये बराबर बात है। अगर मैं बिटवीन f1 एंड 2f1 रखता हूं, मतलब कहां, मतलब यहां, अगर यहां रखता हूं मेरे ऑब्जेक्ट को तो वेर विल आई गेट माई इमेज, आई विल गेट माई इमेज बियॉन्ड 2f2, बियॉन्ड 2f2 मतलब इसके आगे, राइट, बियॉन्ड 2f2। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहां पर तो रख दिया, नेक्स्ट अगर मैं यहां रखता हूं, यहां रखता हूं मतलब फोकस पे रखता हूं, अगर फोकस पे रखता हूं तो इमेज कहां मिलेगी मुझे, इंफिनिटी में मिलेगी। लेट्स चेक, सो इफ एट फोकस f1 देन ऑब्जेक्ट विल बी एट, सॉरी इमेज विल बी एट इंफिनिटी, एंड फर्दर अगर मैं इस फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखता हूं तो देन आई विल गेट समवेयर हियर, यहां कुछ कहीं मुझे इमेज मिलेगी, बट इट विल बी द रिवर्स वे, इट विल बी इनवर्टेड, सॉरी इट विल बी सीन इरेक्ट, नॉट इन्वर्टेड, इट विल बी सीन इरेक्ट। ओके, यहीं उस सेम साइड मिलेगी, ठीक है, रिमेंबर द इंपॉर्टेंट थिंग इज कहीं यहां पर ऐसी बड़ी सी मिलेगी, किधर, लेफ्ट, उसी साइड पे, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे हमें इमेज मिलेगी। ठीक है, सो फ्रेंड्स, सिंस दिस इज अ रिविजन क्लास, आई कैन नॉट टीच यू द होल डिटेल एक्सप्लेनेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन यू कैन बाय, ओके फाइन। नाउ गोइंग फर्दर, लेट्स गो ऑन एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स ऑफ बाय अ कॉन, ओके, तो ये एक और डायग्राम मैंने आपके लिए ले लिया कॉन्वेक्स लेंस का, यहां पर हमने, या दिस इज द लास्ट वन, ये जो लास्ट मैंने आपको बताया ना कि अगर ऑब्जेक्ट को मैंने, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को अगर हमने F1 और O के बीच में रखा, यानी बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, देन आई विल गेट माई इमेज ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट, जो मैंने आपको दिखाया अभी पिछले वाले डायग्राम में, सेम साइड पे हमें मिलेगा और बड़ा मिलेगा। ठीक है, फाइन। नाउ गोइंग फर्दर, ये तो हो गया इमेजेस फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स लेंस, नाउ लेट अस गो एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस हो गया, आप करेंगे कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। सो कॉनकेव लेंस की बात करूं, सो दोस्तों कॉनकेव लेंस में दो प्रकार से हम रख सकते हैं। सबसे पहले अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो इमेज कहां मिलेगा, फोकस पे मिलेगा, राइट, बराबर, फोकस F1 पे मिलेगा, बराबर, सिंपल एज दैट, ये तो बेसिक रूल है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे द इमेज फोकस पे, और फोकस के अलावा एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी, मतलब बाकी कहीं पर भी रखोगे इंफिनिटी को छोड़ करके, तो रिमेंबर यू विल गेट द इमेज बिटवीन सेंटर एंड फोकस। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस केस में, यहां पर मैंने अपने ऑब्जेक्ट को, आई एम सॉरी, दिस इज नॉट द ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट, तो इमेज हमेशा कहां मिलेगा, कॉनकेव लेंस में, कॉनकेव लेंस में हमें इमेज फोकस और ओ के बीच में मिलेगा, कौन से दो पॉइंट्स के बीच में मिलेगा, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमें हमेशा हमेशा अपना इमेज मिलेगा। पर रिमेंबर फर्स्ट केस क्या था, ऑब्जेक्ट को अगर इंफिनिटी पे रखोगे तो इमेज हमें फोकस पे मिलेगा, ठीक है, दैट्स ट्रू। नाउ दैट इज नथिंग बट द कंसेप्ट ऑफ रिविजन फॉर इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव लेंस। अब दोस्तों इस चैप्टर में कुछ प्रॉब्लम्स भी हमें पढ़ने हैं, और उन प्रॉब्लम्स को पढ़ने के लिए हमारे पास साइन कन्वेंशंस हमें पता होनी चाहिए। साइन कन्वेंशंस आर वेरी सिंपल, ये एक डायग्राम दिया गया साइन कन्वेंशंस का, पर मैं आपको इससे आसान वाला मेथड बताता हूं टू रिमेंबर साइन कन्वेंशन। ओके, यू नो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट, मैथ्स में हम पढ़ते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर ऐसा कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो हम इस साइड को पॉजिटिव लेते हैं, इस साइड को नेगेटिव लेते हैं, बेसिकली ये हो जाता है हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हो जाता है मेरा नेगेटिव एक्स एक्सिस, ओके, फिर सिमिलरली ये हो जाता है पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये हो जाता है नेगेटिव वाई एक्सिस। सेम साइन कन्वेंशन हम मिरर, आई कैन से लेंसेज के केस में भी फॉलो करेंगे। व्हाट एग्जैक्टली विल इट बी, सो अगर ये हमारा लेंस, कहीं किसी ने लेट्स से यहां पर लेंस बना के रखे, कोई भी लेंस है हमारा, ओके, अब लेंस के राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव लेंगे, ठीक है, लेंस के यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेंगे और नीचे की तरफ नेगेटिव लेंगे, ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया वो यहां पर वही लिखा है, ठीक है, सिंपल रूल, राइट इज पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव, सिमिलरली अपवर्ड इज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड इज नेगेटिव, ठीक है, दैट्स द जनरल साइन कन्वेंशन। नाउ दोस्तों साइन कन्वेंशन समझने के बाद, बिफोर गोइंग टू द ह्यूमन आई, वी नीड टू डिस्कस अ फ्यू कंसेप्ट, कुछ चीजों को हमें रिवाइज करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ लेंस फॉर्मूला, तो लेंस फॉर्मूला भी आपको रिवाइज करा देता हूं। लेंस फॉर्मूला क्या है दोस्तों,
लेट्स से फॉर एग्जांपल यू हैव अ लेंस, ये हमारा लेंस है ठीक है, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। लेट्स से मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, कोई भी ऑब्जेक्ट को, और उसका इमेज मुझे यहाँ मिला ठीक है। सो दोस्तों रिमेंबर यू विल स्टैंड फॉर द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वी विल स्टैंड फॉर द डिस्टेंस ऑफ द इमेज ठीक है। कहाँ से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं? सेंटर यानी ऑप्टिकल सेंटर से। और अगर इस लेंस का फोकल लेंथ एफ है तो लेंस फॉर्मूला इज गिवन बाय 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ ठीक है। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला। सिमिलरली दोस्तों अगर हमारे पास बहुत सारे लेंसेज हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी कभी मल्टीपल लेंस होते हैं, बहुत सारे लेंस होते हैं, सो फॉर मल्टीपल लेंस देयर इज, और आई कैन से फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। अगर हमारे पास बहुत सारे लेंस हो तो उनका इफेक्टिव फोकल लेंथ 1 अपॉन एफ 1 इज गिवन बाय 1 अपॉन एफ 1 प्लस 1 अपॉन एफ 2 एंड सो ऑन राइट। अगर हमारे पास दो लेंसेज हो तो उनका टोटल फोकल लेंथ, यानी ये लेंस है इसका फोकल लेंथ एफ 1 है, ये लेंस है इसका फोकल लेंथ एफ 2 है, तो टोटल फोकल लेंथ एफ इज गिवन बाय 1 अपॉन एफ इज 1 अपॉन एफ 1 प्लस 1 अपॉन एफ 2 सिंपल। उसके अलावा दोस्तों रिमेंबर वन मोर थिंग दैट देयर इज अ फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। Magnification is given by the formula of M, which is nothing but size of image upon size of object. Okay, size of image upon size of object. बहुत simple सा formula है. Okay, and basically it is also equal to, in magnitude it is equal to V upon U. Also V upon U. ठीक है? अगर मैं कहता हूँ image object के दुगना है, that means what? That means ट्वाइस मैग्निफिकेशन हो चुका है। ऑल्सो रिमेंबर वन फॉर्मूला फॉर पावर ऑफ लेंस। सो पावर ऑफ लेंस क्या होता है दोस्तों? पावर ऑफ लेंस इज 1 अपॉन फोकल लेंथ ठीक है। अगर हम फोकल लेंथ को उल्टा कर दे तो हमें पावर ऑफ लेंस मिल जाएगा ठीक है। नाउ दोस्तों लेट्स क्विकली रिवाइज अबाउट द ह्यूमन आई। ये है हमारी ह्यूमन आई। इसमें तीन चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको सुननी है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले ये याद रखो कि हमारे आंखों के बाहर की तरफ ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, मैं अभी पेन से थोड़ा बताता हूं, ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है सबसे बाहर जो होता है उसे कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं उसे? कॉर्निया। अब कॉर्निया के बाद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉर्निया के अंदर आप देखोगे ना तो ये होता है आयरिस। ये देखो रहे हो आप, मैं कुछ कुछ बना रहा हूं, ये रीजन, इस रीजन को कहते हैं आयरिस। आयरिस अलग अलग कलर के लोगों का अलग अलग कलर का होता है राइट, रिमेंबर दैट। ओके, तो ये रहा हमारा आयरिस। किसी किसी की ब्लू आंखें होती है तो उनका ब्लू आयरिस होता है, किसी की ब्राउन आंखें होती है तो उनका ब्राउन आयरिस होता है ठीक है। अच्छा, अब रिमेंबर वन मोर थिंग अबाउट दिस दैट यहां पर बीच में होता है प्यूपिल। क्या होता है? यहां पर एक छोटा सा ये पोर्शन को कहते हैं प्यूपिल। दोस्तों चाहे आपका आयरिस कोई भी कलर का हो, किसी की ग्रीन आंखें तो आप देखना, चाहे उसकी ग्रीन आंखें क्यों ना हो, बीच वाला पोर्शन हमेशा ब्लैक होगा। सो रिमेंबर यहां कहीं बीच में ब्लैक कलर का पोर्शन होता है आंखों के बीच में, जिसे कहा जाता है प्यूपिल। ओके, नाउ ये प्यूपिल का क्या काम है दोस्तों? कि ये प्यूपिल छोटा बड़ा हो सकता है। छोटा बड़ा मतलब अगर लाइट ज्यादा होती है ना तो वहां पर वो छोटा हो जाता है, और मतलब अगर मैं सूरज में निकला ऐसे आंख खोला तो प्यूपिल उस समय छोटा हो जाएगा ताकि मेरी आंखों में कम लाइट आए, और अगर रूम में लाइट कम है, अंधेरा है, तो वहां पर प्यूपिल बड़ा हो जाएगा ताकि वो ज्यादा लाइट को अंदर आने दे ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर इनफ। फर्दर गाइज that the next thing okay the next thing we need to remember is the is something called as your crystalline lens। okay, आपकी आंखों में भी एक तरह की लेंस लगी हुई होती है, आपकी आंखों वाली लेंस है। आंखों के अंदर हमारी कॉन्वेक्स लेंस लगी होती है दोस्तों, रिमेंबर दैट ठीक है। मैंने बनाया है, लेट मी शो इट बाय सम अदर कलर सो दैट इट इज मच मोर विजिबल राइट। ये रही हमारी कौन सी ये हमारी रही लेंस। ओके, और ये लेंस दोस्तों कभी कभी मोटी हो जाती है, कभी पतली हो जाती है बेस्ड ऑन द नीड। फॉर एग्जाम्पल जस्ट टू मेक यू एक्सप्लेन दैट अगर आप देख सकते हो कि अगर हमें दूर के ऑब्जेक्ट को देखना है ठीक है तो हमें ज्यादा फोकल लेंथ की जरूरत है, और अगर नजदीक के ऑब्जेक्ट को देखना है तो हमें कम फोकल लेंथ की जरूरत है। तो राइट, अगर हम नजदीक की किसी चीज के ऊपर फोकस करते हैं तो हमें कम फोकल लेंथ की जरूरत होती है राइट, मुझे इतने में देखना है। पर अगर मुझे कोई दूर को देखना है तो दूर की फोकल लेंथ लगेगी। हेंस हमारी आईज की जो लेंथ है उसकी फोकल लेंथ को बार बार चेंज करना होता है, और वो चेंज करता है सिलरी मसल्स ठीक है। सिलरी मसल्स क्या करते हैं? वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एक्सपांड होते हैं ताकि हमारे आई के जो आई में से फोकल लेंथ है वो उसे चेंज कर सके ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर इनफ इन योर माइंड। तो बेसिकली हमारी जो आंख की लेंस होती है वो चाहे कोई भी यहां से अगर इंसिडेंट लाइट आए ना, कोई भी लाइट आए, तो उसको क्या करता है, वो एक पीछे रेटाइना होता है
राइट, उस पे वो फोकस कर देता है, राइट। रेटाइना आप देख सकते हो, ये पोर्शन को कहते हैं रेटाइना, मैं थोड़ा बता के दिखाता हूँ, राइट। इस पोर्शन को कहते हैं रेटाइना, और वो एक स्क्रीन की तरह है। जब कभी कोई लाइट यहां लेंस के थ्रू होते हुए रेटाइना पे पड़ती है, लो रेटाइना उन सिग्नल्स को रिसीव करता है और फाइनली आंखों से वो हमारे सिग्नल्स ब्रेन में जाते हैं यूजिंग दिस ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व सीधा फिर ब्रेन में जाते हैं और उन लाइट सिग्नल्स को कन्वे करते हैं और हम किसी भी चीज को देख सकते हैं, राइट। सो दिस इज अ क्विक रिविजन ऑफ द आई। ये डायग्राम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। नाउ दोस्तों रिमेंबर कि अब नाउ क्विकली डिस्कस द डिफेक्ट्स इन द ह्यूमन आई। सो द फर्स्ट डिफेक्ट इन द ह्यूमन आई इज कॉल्ड मायोपिया। मायोपिया इज कॉल्ड नियर साइटेडनेस। ओके, नियर साइटेडनेस। मायोपिया जिसको हो जाता है ना, वो लोग दूर का ठीक से नहीं देख सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये तो प्रॉपर आई है, दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ प्रॉपर आई, पर अगर किसी को मायोपिया हो गया तो क्या हो जाएगा पता है? इंस्टेंट, अगर प्रॉपर आई है, आंखें एकदम मस्त है, कोई तकलीफ नहीं है, तो जो ये कॉन्वेक्स लेंस आप देख रहे हो ना, ये क्या करेगा, इमेज को बराबर फोकस करेगा किस पे, रेटाइना पे, बराबर कन्वर्ज करेगा रेटाइना पे। पर अगर आंखें खराब हो चुकी है, ये मायोपिक आई हो चुकी है, तो वो रेटाइना पे क्या करेगा, रेटाइना पे कन्वर्ज नहीं करेगा, रेटाइना से पहले ही कन्वर्ज कर देगा। अगर रेटाइना से पहले ही कन्वर्ज कर देगा तो कोई भी दूर की चीजें, जब भी दूर की चीजें आती है ना दोस्तों, तो रिमेंबर वो पैरेलल लाइट से आती है। ओके, कभी भी कोई डिस्टेंस दूर से ऑब्जेक्ट आता है तो हैंस दूर की चीजें उसे धुंधली दिखने लगेगी, राइट। अगर आप में से किसी को दूर का चश्मा हो तो आप देखना, चश्मा उतार के देखो, सब कुछ दूर दूर का धुंधला धुंधला दिखेगा। नजदीक का तो ठीक दिखेगा, क्योंकि नजदीक के केस में तो टेंशन नहीं है, पर दूर के केस में टेंशन है, ठीक है। तो अगर हमें उस बंदे की या उस इंसान की आंखों को ठीक करना है तो व्हाट विल वी डू, हम उसे चश्मा पहना देंगे। अब चश्मे में क्या होगा, चश्मे में होगा बेसिकली एक कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो अगर मायोपिया होता है तो कॉनकेव लेंस यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो इमेज पहले आगे बन रही थी अब वापस उसे आप देख सकते हो पीछे शिफ्ट कर देंगे, हैंस फिर उसे धुंधला नहीं दिखेगा, ठीक है। द अदर टाइप ऑफ आई मे से डिसऑर्डर इज समथिंग कॉल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, ऑल्सो कॉल्ड एज फार साइटेडनेस, उसे फार साइटेडनेस भी कहा जाता है। एंड दोस्तों रिमेंबर वन मोर थिंग, वन थिंग अबाउट दिस, दैट अगर प्रॉपर आंखें हुई तो ठीक है, इमेज बराबर रेटाइना पे बनेगी, पर अगर किसी के हाइपरमेट्रोपिया हो गया, यानी नजदीक का देखने में तकलीफ हो रही है, तो उस केस में क्या होता है पता है, इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग एट द रेटाइना, इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटाइना, ठीक है, रेटाइना के पीछे बनती है, फिर तो उसे नजदीक का धुंधला दिखेगा, राइट। अब नजदीक का जब उसे धुंधला दिखेगा तो उसे हमें क्या पहनाना पड़ेगा, चश्मा पहनाना पड़ेगा, और वो कौन सा चश्मा होगा, वो होगा कॉन्वेक्स लेंस। अगर कॉन्वेक्स लेंस यूज करोगे तो फिर प्रॉपरली उसे इमेज बराबर कहां देखने को मिलेगी, रेटाइना पे देखने को मिलेगी, हेंस उसे नजदीक का भी क्लियरली दिखेगा पर चश्मा पहनने के बाद। ओके फाइन, सो आई होप दिस कंसेप्ट इज ऑल्सो क्लियर इन योर माइंड। Now guys, let's quickly revise the uses of a concave lens. So concave lens or concave lens कहाँ कहाँ use होती है? तो mobile में, torch में, car के headlights में, बहुत जगह, यहाँ तक कि आप जो चश्मा पहनते हो ना घर पे, चश्मा मतलब अगर आपको दूर का ठीक से नहीं दिखता, राइट, तो उस वक्त आपको सॉरी नजदीक का ठीक से नहीं दिखता तो आप कॉनकेव लेंस पहनते हो, तो वो भी कॉनकेव लेंस ही है। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव लेंसेज। नाउ कमिंग टू दिस डायग्राम, सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप। But before going on to the simple microscope, we'll discuss something called as distant or distance of distinct vision. इसका क्या मतलब, हमें अगर किसी भी चीज को comfortably reading करनी है, for example मुझे ये book पढ़ना है या ये paper पढ़ना है, ठीक है, तो मुझे कम से कम ये page को 25 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ेगा। अगर 5 सेंटीमीटर दूर रखा तो वो मुझे पढ़ नहीं सकता, पर 25 सेंटीमीटर दूर रखा तो मैं comfortably पढ़ सकता हूँ, remember that, okay? So that is called minimum distance for reading. मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर ह्यूमन के लिए है। ओके, नाउ कमिंग टू द सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप, नाम से ही सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, उसमें एक लेंस लगी हुई होती है। लेट्स से मुझे इस ऑब्जेक्ट को देखना है कि ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को देखना है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। अगर मैं माइक्रोस्कोप रखता हूं ना तो ये यहां से कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस से पास होते हुए फिर आगे जाता है और ये बनता है इसका इमेज। हेंस ऑब्जेक्ट भले से छोटा सा होगा पर उसका इमेज मुझे बड़ा दिखेगा। यही तो काम है ना माइक्रोस्कोप का, सिंपल माइक्रोस्कोप का, बड़ा करना, राइट, बराबर। सिमिलरली यहां पर भी होता है। उसी तरह से
अब डिस्कस करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो रिमेंबर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंसेज होती है, एक होती है ऑब्जेक्टिव लेंस, एक होती है आईपीस लेंस। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंपैरेटिवली सिंपल माइक्रोस्कोप से ज्यादा मैग्निफाई कर सकता है, ज्यादा बड़ा करके दिखा सकता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जेक्ट ये है तो इमेज देखो कितना बड़ा है, बराबर, इमेज कितना बड़ा है। बीच में एक दो बार और कुछ हो रहा है जो डिटेल एक्सप्लेनेशन में आप लोग पढ़ोगे, पर ज्यादा बड़ा करना है किसी चीज को तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। एंड सिमिलरली लास्टली वी नीड टू डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या होता है दोस्तों? इट्स वेरी सिमिलर टू कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बट रिमेंबर टेलीस्कोप में भी ऑब्जेक्टिव और आईपीस लेंस होती है। पर टेलीस्कोप हमें दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए काम आता है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, इन केस ऑफ टेलीस्कोप ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, राइट, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, बट इमेज हमें कहां मिलती है? इमेज हमें फोकस पे बनते हुए मिलती है। ये फोकस पे देखो, आप देख सकते हो फोकस पे इमेज बनते हुए मिलती है, हेंस हम किसी भी बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को क्लियरली फिर देख सकते हैं, ओके। सो दिस वॉज द रिविजन ऑफ अ टेलीस्कोप, एंड विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द रिविजन ऑफ योर चैप्टर नंबर 7 लेंसेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आर वीडियो, एंड गाइज रिमेंबर सब्सक्राइब टू आर चैनल in order to get updates of new revision lectures. Thank you.